स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर की 94वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दुर्ग जिले में दाऊ वासुदेव चंद्राकर का नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। न केवल दुर्ग जिले में, जो उनकी संगठनात्मक क्षमता थी, किसानों के लिए उनका जो उनकी जो सोच थी और सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन काल में जो कार्य किया है, उसे पूरे प्रदेश के लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। आज हमारे बीच में दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके कार्य हमारे बीच में हैं, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनका चरित्र, ये आज की पीढ़ी के सामने है। मैं तो आज की पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि जो कार्य उन्होंने किया है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। जब मैं 1993 में पहली बार विधायक के पद पर आसीन हुआ, तो दाऊ जी से मैंने काफ़ी सलाह ली और उनके जो कार्य करने की शैली थी, और उसको मैंने बहुत करीबी से समझा। और वो इस बात को कहते थे कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, और जन भावनाओं की कसौटी पे आप हमेशा खरा उतरने का कार्य करें, तभी आप मतदाताओं के बीच में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने दाऊ वासुदेव चंद्राकर से सीखी है और उसी तरीके का आचरण आज हम लोग करते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी को कृषि नीति थी, उसके आधार पर ही उन्होंने किसानों का मान बढ़ाया है। आज 20 क्विंटल धान की खरीदी जो उनका उन्होंने घोषणा की है, ये वासुदेव दाऊ की ही सोच का परिणाम है कि आज हम किसानों के उत्थान के लिए जो कार्य हमारी सरकार कर रही है, मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। आज हमारे श्रद्धेय दाऊ जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दाऊ जी एक ऐसा नेता थे जो सबसे, जो मतलब ऐसे कार्यकर्ता जो नीचे रहते थे, उनको उठाने का काम दाऊ जी ने किया और कार्यकर्ताओं को पहचाने। उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए वो अपना पूरा जीवन व्यतीत किए, और पार्टी संगठन को मजबूती दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और जो कांग्रेस में मजबूती आई थी हमारे दुर्ग जिला में, सिर्फ दाऊ जी के कारण ही मतलब हमारा कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हुआ था। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, किसानों के सपनों को साकार कर रहे हैं, गरीबों के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज हम सब उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जन्मदिन है और जो दाऊ जी की जो सोच थी, जो उनका सपना था, आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से वे धान को उन्होंने सोसाइटी के माध्यम से खरीदने का छत्तीसगढ़ शासन में लागू किया था, और आज माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों को धान को 20 क्विंटल धान खरीदने का जो ऐलान किया है, निश्चित रूप से हम उनको धन्यवाद देते हैं। और दाऊ जी के सपनों को साकार करने के लिए वो जिस तरह से किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के किसान इससे समृद्ध हो रहे हैं, और यही दाऊ जी की परिकल्पना थी। आज उनके जन्मदिन में उनको सत सत नमन करते हुए उनका जो सपना है उसको प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी की जयंती का कार्यक्रम है। दाऊ जी जीवन भर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे और आज युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। आज जयंती के अवसर पर
सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन आज यहाँ पर उपस्थित हुए और दाऊ जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके बताए हुए रास्ते पे आगे चल के किसानों के हित में, मजदूरों के हित में काम करने का प्रेरणा ली।